हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। आप लोग जानते हैं कि रमज़ान आ गया, और रमज़ान जब भी आते हैं तो एक आपको सेंटेंस हमेशा सुनने को मिलेगा, रोज़ा रखा है? कहाँ रखा है? अच्छा, फ्रिज में रखा है। बहुत कमाल कर दिया, बहुत कमाल कर दिया भाई। वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आपको ये बता देता हूँ, जब हम छोटे स्कूल जाते थे ना, छोटी क्लासेस में थे, जब मैं स्कूल जाता था तो क्या होता था, वहाँ पर रमज़ान जैसे ही आते थे ना, तो जब बच्चे स्कूल आए हुए, अब जाहिर है फोर क्लास में भी हम लोग, फाइव क्लास में भी थे, अब फोर फाइव क्लास के बच्चे अक्सर होता है ऐसा ही रोज़ा नहीं रखते, ठीक है? तो कभी कभार ऐसा होता था रोज़ा नहीं होता था, कभी मेरा नहीं होता था, कभी किसी दूसरे का नहीं होता था, क्योंकि थ्री क्लास के बच्चे हैं, ज़ाहिर है भूख लगती है, छोटे हैं अभी, इतनी जो है ना समझ नहीं है, प्रॉपर तरीके से पता नहीं है रोज़े का। इस उम्र में ऐसा होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो छोड़ जाते हैं रोज़ा अक्सर। तो क्या होता था भाई, सुबह आते ही ना हर बच्चा एक दूसरे की ज़बानें चेक कर रहा है, कोई किसी के गले में हाथ डाल रहा है चेक करने के लिए, दिखा तूने कुछ खाया हुआ तो नहीं है, तेरा रोज़ा है, मतलब अजीब व गरीब बातें चल रही हैं। छोटे थे ना तो उस टाइम पे कोई किसी को बोल रहा है थूक फेंक के दिखा, अभी पता चल जाएगा तेरा रोज़ा है कि नहीं है, नीचे फेंक थूक। अजीब व गरीब किस्म की बातें, और मतलब बचपन की कहानियाँ जो है ना बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, याद आती हैं बातें सारी। एक दूसरे की ज़बानें चेक कर रहे हैं, कोई किसी की नाक चेक कर रहा है, तेरी नाक में पानी क्यों आ रहा है, रोज़ा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोज़ा रखा हुआ बंदा जो होता है उसकी बॉडी में जो है ना ड्राइनेस हो जाती है, खुश्की हो जाती है, पता चलता है उसने रोज़ा रखा हुआ है, तो तेरे जो है ना नाक के चूहे भी गीले हो रहे हैं। मतलब कि देखते थे ना कि भाई ज़बान चेक कराओ, गीली क्यों हो रही है, तुमने पानी पिया हुआ है, इसका मतलब है। तो इस तरह की बातें जो है ना बच्चे बचपन में करते थे, तो अभी भी करते होंगे स्कूल्स वगैरह में, बच्चे एक दूसरे को चेक करते होंगे, बता रोज़ा रखा है कि नहीं रखा। तो अब ये रमज़ान में बना रहा हूँ ना वीडियो, आज समझें कि अब ये पहली तरावी होगी, तो पहली तरावी होगी, कल पहला रोज़ा होगा, इसलिए मुझे ये सारी बातें, वैसे ही एक फ्लैशबैक आ गया माइंड के अंदर, अभी वीडियो में कुछ और बना रहा हूँ, वैसे ही मैंने कहा आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो चलिए भाई अपनी वीडियो के ऊपर, टॉपिक पर आते हैं। भाई मैं कॉकटेल से किस तरह से पैसे बना रहा हूँ, या कितने पैसे कमा रहा हूँ, या मेरी वीडियोज़ अगर आप देखते हैं, आप लोग मेरी प्रोग्रेस देखते हैं कॉकटेल्स की, कि भाई इसके पास कॉकटेल ने बच्चे दिए हुए हैं, इनों के बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं, क्रीम के निकले हुए हैं, और बहुत अच्छी इसके पास प्रोग्रेस आ रही है, बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर पा रही है, तो यहाँ तक तो सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपको अब नज़र आ रहा है ना मेरे कॉकटेल ब्रीड कर रहे हैं, यही कॉकटेल, यही सेम यही पेयर जो भी आप ब्रीड करता हुआ देख रहे हैं ना, एक वक्त था जब यही कॉकटेल मेरे पास थे और ब्रीड नहीं कर रहे थे, और मुझे वजह नहीं समझ में आ रही थी क्यों नहीं कर रहे, और मेरे एक साल बर्बाद हो गया, मुझे नहीं पता था कि वजह क्या हो रही है, समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो ये वो टाइम होता है जब हर बंदा जो है ना तकरीबन सोच लेता है कि यार छोड़ो, दफ़ा करो, ख़त्म कर दो बर्ड्स, ठीक है? तो ज़्यादातर लोग जो है ना ख़त्म कर देते हैं, और ख़ास करके कॉकटेल, जिन लोगों को पता नहीं होता ना कि इनकी एज कितनी होनी चाहिए, जेंडर कैसे पता चलता है, या कितना टाइम ले सकता है कॉकटेल, वो लोग ख़त्म कर देते हैं। तो सेम सीन मेरे साथ भी हो रहा था ना यार, एक दो साल मैंने लगाए हैं ये, तो अब आप लोग जब देख रहे हैं ब्रीड करते हुए, तो आप लोग कह रहे हैं यार क्या ब्रीड आ रही है, बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है। तो भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए एक सफ़र तय किया है, बहुत जो है ना समझे कि हालात के जूते खाए हैं बहुत ज़्यादा, को मजाक बात नहीं होती। अगर मैं आज के दौर में मिसाल ले लें कॉकटेल की, छोटी सी जगह से महीने का जो है 25-30 हज़ार रुपये खाली कॉकटेल में से अगर मैं रेवेन्यू पैदा कर रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो रेवेन्यू जो है वो शुरू से आ रहा है मेरे पास, भाई वो अब शुरू हुआ है, ठीक है? मेहनत की है मैंने, टाइम लगाया, तब जाके इस तरह हो रहा है, और अब मुझे पता है अब ये बढ़ता चला जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, कॉकटेल या कोई भी परिंदा या बजीज़, ये आपको क्या देंगे ज़िंदगी में, देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है ना, ठीक है? आपके पास परिंदा है, वो कितने का बिकेगा, कब बिकेगा और कैसे बिकेगा, ये तो अल्लाह के हाथ में है। आप ब्रीड करवाते रहा करें, मेहनत करें, दूसरों की जब चीज़ देखते हैं किसी की ब्रीड करती हुई, तो माशाल्लाह कहें और दिल में सोचें, अल्लाह से फरियाद करें कि या अल्लाह ये बहुत, मतलब मुझे खुशी होती है लोगों की ब्रीड देख के, मुझे भी ऐसी ब्रीड अता फरमा, तो अल्लाह आपको भी ब्रीड देगा। लेकिन आप परिंदे रखेंगे तो ब्रीड देगा ना, जब आप रोज़ चेंज कर रहे हैं, आप कॉकटेल का पेयर लेकर आए, 10 पेयर लेकर आए, अभी 4 महीने हुए थे, आपने मुझे मैसेज ठोक दिया, यार असन भाई ब्रीड ही नहीं कर रहे, 4 महीने हो गए। ओ भाई, हो सकता है तुम 2-2 महीने के पीस लाए हो, ठीक है? तो कॉकटेल को टाइम लगता है, कॉकटेल कम से कम जो ब्लैक आइस कॉकटेल है ना, वो ब्रीड करने के लिए 6 महीने का होना ज़रूरी है उनका, ठीक है? अब 6 महीने का होने पे वो ब्रीड कर नहीं देते, 6 महीने का होने पे वो विस्लिंग शुरू कर देते हैं, उनके जेंडर क्लियर हो जाते हैं, कभी कभार कर भी देते हैं, ब्लैक आइस जो है ना वो क्रॉस कर भी देते हैं, तो पहला ब्रीड ज़ाया हो जाता है, कभी कभार ऐसा होता है, किसी का नहीं भी होता, किसी के डायरेक्टली चल पड़ते हैं। और मैंने बहुत सारी ऐसी ब्लड लाइन्स देखी हैं यार लोगों के पास, कि 6-7 महीने का कॉकटेल ब्रीड कर रहा है, पहली बार ब्रीड किया, पहले बच्चे निकाले 3, और तीनों के तीनों पाल के बड़े कर दिए, मेरे पास भी हो चुका है ऐसे। तो हर बंदे की ब्लड लाइन की स्पेशलिटी होती है, डिपेंड करता है वो खाने में क्या दे रहा है, उसका माहौल कैसा है। भाई अगर आप कॉकटेल को ना
तैयार कॉलोनी में करेंगे ना, मिसाल के तौर पे बड़ी जगह है, वहाँ आपने कॉकटेल के पट्टे छोड़ दिए, तो वो पट्टे अपनी एज से ज़्यादा तेज़ी से बड़े हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको फ्लाई मिली हुई है, पूरा दिन फड़फड़ाते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, तो उनकी बॉडी के जो मसल्स हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और अपनी एज से पहले वो तैयार हो जाते हैं कॉकटेल। अब कई लोगों के पास कॉकटेल जो है ना 15 महीने के बाद ब्रीड कर रहा होता है, मैंने खुद देखा है। कुछ लोगों के पास जो है ना 7वें 8वें महीने में कॉकटेल ब्रीड कर रहा होता है, और ये इत्तेफाक रखेंगे ये लोग जो लोग ब्रीडर हैं ना, वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे ज़रूर कि ये सही कह रहा है। कुछ पेयर ऐसे होते हैं जल्दी ब्रीड कर देते हैं, तो ऐसा होता है। अब जैसे रेड आई जो है वो क्या होता है कि आपके पास टाइम लेता है, मेजॉरिटी क्या होता है, आपके पास अगर रेड आई के पेयर हैं, मिसाल ले लें आपके पास एल्बिनो के पेयर हैं, तो वो टाइम लेते हैं थोड़ा सा, किसी के पास जल्दी भी कर देते हैं। मेरे पास 8 महीने के एल्बिनो ने ब्रीड कर दिया था, ठीक है, इनो कॉकटेल ने 8 महीने के होने पर ब्रीड कर दिया था, बच्चे भी पाल लिए थे। और कुछ लोगों के पास मैंने देखा है कि 15-16 महीने बाद जाके उन्होंने ब्रीड शुरू की और ब्रीड लेकिन कर दी भाई, उसके बाद फिर वो करते रहे ब्रीड। तो कॉकटेल का ये है, जब भी ब्रीड करेगा उसके बाद फिर करता ही रहेगा, अगर आप उसके साथ पंगे नहीं ले रहे, उसके साथ जो है ना छेड़खानी नहीं कर रहे, तो वो करता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि मैंने जो आप मेरा सेटअप देखते हैं ना, मेरे पास क्या हो रहा था कि मैं काफ़ी सारे पेयर ले आया था और उसमें बॉन्डिंग नहीं बन रही थी पेयर की, बस वो बैठे रहते थे फालतू पूरा पूरा दिन। उस टाइम मुझे एज का भी इतना पता नहीं था कि यार कितनी होगी, लेकिन देखा जाए तो 7-8 महीने हो गए थे मेरे पास कॉकटेल्स को, ब्रीड नहीं कर रहे थे। अब इवेंचुअली उन्होंने आना ही ब्रीड पे था ना, और वो कितना टाइम स्टे करते, तो उन्होंने खुद ही अब ब्रीड पे आ ही जाना था। अल्लाह ने बचा लिया, मैं तो बेचने लगा था सारे के सारे, ख़त्म करने लगा था, पता नहीं अल्लाह ने ऐसे बचा लिया कि बीच में काम वाम आ गए थे कुछ, ये पुरानी बात बता रहा हूँ, काम वाम आ गए कुछ, तो मैं बेचने का टाइम नहीं निकाल सका। तो उन दिनों में क्या हुआ, मेरे अब्बू ने मटकियाँ निकाल के फेंकवा दी और बॉक्सेस ले आए दुकान से, वो लगा दिए लाके। तो वो क्या हुआ, वही कॉकटेल ब्रीड पर आ गए, बच्चे देने लगे, बच्चे पाल के बड़े करने लग गए, उसमें से इनो निकलने लग गए, फिर कुछ इनो के स्प्लिट में अपने दोस्त से लेकर आया, करते 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 आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन कॉकटेल से अच्छे पैसे कमाते हुए ना, यानी ठीक ठाक पैसे कमाते हुए तकरीबन कुछ 4 साल हो गए। इन 4 सालों में मैंने कॉकटेल से बहुत अच्छी इनकम कमाई है। उससे पहले क्या था कि स्ट्रगल थी, कुछ पैसे कभी आ गए कभी नहीं आए, अब तो सिस्टम ऐसा हो गया कि इनो ही निकल रहे हैं ना सारे पेयर में से। और जब आपके पास, याद रखें, जब आप कॉकटेल ख़रीदते हैं ना, आप अपने किसी भी तरीके से ना 30 पेयर बना लें, 30 पेयर ब्रीड पर ले आएँ उनको, जब 30 पेयर आपके पास ब्रीड पर आ जाएंगे, जब वो ब्रीड कर रहे होंगे, फिर आपको पता चलेगा कि कॉकटेल की इनकम कैसी होती है। अब कई लोगों के मुँह से मैंने ये सुना है, यार मेरे पास तो ग्रे के 4 पेयर हैं, वो ब्रीड कर रहे हैं, अब उसमें मिलता ही कुछ नहीं है। ओ भाई, खुदा का खौफ करो यार, अगर ब्रीड कर रहे हैं अल्लाह का शुक्र अदा करो, उनको ब्रीड करने दो, 4 पेयर जाके इनों के ख़रीद के ले आओ, जब वो अंडे देंगे उनके अंडे तुम उसके नीचे रख देना, ग्रे के नीचे रख देना, इस तरह तुम्हारे इनो ब्रीड करते रहेंगे। अब पहली ब्रीड इस तरह मत करना, इनों को पहली ब्रीड खुद करने देना, उनको अंडे ज़ाया भी करने देना पहली ब्रीड में, सेकेंड ब्रीड में उनको बच्चे पालने देना, जब एक बार बच्चे इनो पाल के बड़े कर देना तो फिर टाइम होता है, अब जितने भी वो अंडे देगा वो फॉस्टर कर देना तुम ग्रे के नीचे। उससे क्या होगा, एक क्लच तुम चारों के एक एक क्लच फॉस्टर कर दोगे ग्रे के नीचे, ग्रे जो हैं वो इनों के बच्चे भी निकाल लेंगे, और फिर तुम्हारे पास ग्रे के बच्चे निकलना ही बंद हो जाएंगे। जाहिर है जब तुम उसके अंडे ही उठा के फेंक दोगे तो फिर ऐसे हो जाएगा, तुम्हारे पास आराम से तुम जो है ना इनों के बच्चे निकलवा सकते हो। तो भाई कॉकटेल का तो ब्रीड करना ज़रूरी है, चाहे वो काला हो, नीला हो, पीला हो, जैसा भी हो, अगर ब्रीड कर रहा है तो इट मीन्स कि वो तुम्हें कमा के दे सकता है। तुम कोई दूसरा महंगा पेयर ला के उससे ब्रीड करवाओ, उसके फॉस्टर करवा दो बच्चे, कोई इतनी बड़ी भाई आफत नहीं आ जाएगी। मैं खुद ये काम कर रहा हूँ, सही है ना। इंसान में खाली दिमाग होना चाहिए। ये जो लोग होते हैं ना, ग्रे के पेयर उठा के बेच दो, ग्रे के पेयर उठा के बेच देते हैं ब्रीड करते हुए, उसके बाद वो इनो ले आते हैं 10 पेयर, अब इनो ब्रीड ही नहीं कर रहा उनके पास, बैठे में, अब जब ब्रीड पे आ रहे हैं तो वो बच्चे थोड़ा सा, ज़ाहिर है शुरू में बच्चे वो फ़ौरन से नहीं पाल पाते, उनको टाइम लगता है। अब आप अपने ग्रे के पेयर दे के बैठे हुए हो, अब आप क्या करोगे। तो ये वो चीज़ें हैं भाई जिसको आपको ले कर चलना पड़ता है, इन चीज़ों को साथ, वरना ऐसा नहीं होता कि आप मतलब मुँह उठा के आज ही पेयर ले आएँ और आज ही ब्रीड कर दे वो, और अगर नहीं कर रहे तो गुस्सा आना शुरू हो गया, ऐसन के पास तो कर रहे हैं यार, उसकी वीडियो में ब्रीड आ रही है, हमारे पास पता नहीं क्यों नहीं आ रही, या हमारे कॉकटेल ठीक नहीं है। इस तरह नहीं होता भाई, आप किसी चीज़ को ब्लेम थोड़ी कर सकते हो आप, इस तरह तो फिर हर चीज़ आपके लिए बेकार हो जाएगी अगर आप इस नज़र से देखोगे ना। तो ये चीज़ें हैं, मुझे बहुत टाइम लगा है भाई यहाँ तक आने में, बच्चे कलेक्ट करने में, ब्रीडिंग लेने में, बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत धक्के खाए हैं यार, बहुत बुरे वक्त देखे हैं मैंने, क्योंकि मैं खुद बड़ा समझ लें कि इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, तो मैं किसी से अपने फैमिली से सपोर्ट मांगता नहीं था कभी भी, हालांकि मुझे आज तक सपोर्ट कर रहे हैं खुद से, मेरे पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं वो बंदा था कि पैसों के मामले में फाइनेंशियली मैं चाहता था कि, और वैसे भी यार बच्चों का फ़र्ज़ है वो कमा के वालदैन को दें, ये थोड़ी होता है कि वालदैन के सामने बैठ जाएं बच्चे मुंह निकाल के कि हमारी मदद करो, पैदा कर दिया और इससे बड़ी क्या मदद करें तुम्हारी।
तो ये चीज़ थी मेरे अंदर, तो मैं परेशान रहता था। ज़ाहिर है उस टाइम पैसे इतने नहीं होते थे मेरे पास, लेकिन सोचता यही था कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि ज़्यादा पैसे आना शुरू हो जाएँ, पेरेंट्स को भी खुश रखे बंदा अपने साथ, अपना भी कुछ कर सके ज़िंदगी में। तो इस तरह करके मेहनत कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं भाई, ऐसे मजाक थोड़ी है। आप लोग शुरू करोगे तो कुछ होगा ना, बगैर शुरू किए रोते रहोगे तो फिर रोते ही रहोगे बेटा। ये चीज़ें आप शुरू करें, इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक बहुत बेहतर करेगा। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।